हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें आप पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके घन घनाभ, आपका शंकु, बेलन और आपके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकलता है और आयतन आपके निकलते हैं। कैसी आकृतियाँ होती हैं? 3D आकृति। 3D आकृतियाँ होती हैं जिनका आप क्या निकालते हैं, इन्हें त्रिविमीय आकृतियाँ भी कहा जाता है। इनके लिए हम क्या निकालते हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एक तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक क्या आता है इनका आयतन, कितना स्थान घेरती हैं उसको आयतन कहते हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल उस पर अगर आप कोई कपड़ा चढ़ाना चाहते हैं या उसको कवर करना चाहते हैं किसी चीज़ से, तो वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लंब वृत्तीय शंकु का आयतन किस प्रकार निकाला जाता है और कैसे उस क्वेश्चन को किया जाता है। कि लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कर चुके थे, और आइए आज इसमें हम आयतन के बारे में पढ़ते हैं। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन आकृति 13.28 में आप देख सकते हैं या देखते हैं कि इसमें एक ही आधार त्रिज्या वाले, एक ही ऊंचाई वाले बेलन और शंकु दिए हुए हैं। दिख गए आपको, ये बेलन है और ये आपको शंकु दिया गया है, जिनकी एक ही आधार है और एक ही आपकी क्या है, ऊंचाई है। देखिए, आधार भी यही है और एक ही आपकी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। तो एक ही आधार त्रिज्या, तो त्रिज्या है इनकी एक ही है, रेडियस कितनी है, बराबर है दोनों की रेडियस। और दो शंकु दिए गए हैं, बेलन और शंकु दिए गए हैं, एक ही ऊंचाई, और जो हाइट है वो भी कैसी है, सेम है, बराबर है। अब एक लंब वृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या आर है तथा ऊंचाई कितनी है, एच है, का आयतन निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। किससे ज्ञात कर सकते हैं, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो गया, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का मान हम रखेंगे, आर की वैल्यू और एच इसकी हाइट हो गई। ये बात आपको समझ में आई। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तीन शंकुओं का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है। इसका अर्थ है कि यदि शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या एक ही हो और ऊंचाई भी एक ही हो, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है। अब शंकु का आयतन कितना है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः कितनी है, 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई h 21 सेंटीमीटर और l हो गई तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर दी गई है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। ये आ गया सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं है तो आर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारा निकालेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा आ गया 28 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, हमारा आ गया 7/7 आ गया यहाँ पर। अब शंकु का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन बराबर क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या आ गया आपका, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/7 इंटू 7/7 इंटू 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ गया आपका, 7546 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। और ये हमने अच्छे से समझा कि हमारी त्रिज्या ऊंचाई और ये आपकी ऊंचाई दी गई थी और आयतन हमने इससे ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 15। किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तब देखिए, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है, तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर के लिए हम क्या करेंगे, एल के स्क्वायर में से लेस कर देंगे एच का स्क्वायर,
या माइनस का निशान लगा देंगे, तो 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका 7√7 सेंटीमीटर। अब अतः शंकु का आयतन क्या आ गया आपका, 1/3 πr²h = 1/3 × 22/7 × 7√7 7√7 × 21 cm³। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर, 7546 सेंटीमीटर³। ये बात आपकी क्लियर होती है यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया 16। मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 551 सेंटीमीटर² है। वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का आपतन का तंबू बनवाती है, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 सेंटीमीटर² कैनवास नष्ट हुआ होगा, कि इतना कैनवास नष्ट हुआ होगा, इतना जो कपड़ा है वो नष्ट हो गया होगा। इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इससे शंकु जो बनाया जाएगा उसका आयतन हमें ज्ञात करना है, तो किस प्रकार आएगा। अब हल देखिए, कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया और 1 मीटर² कैनवास सिलाई इत्यादि में नष्ट हो जाता है, इतना आपको पता है। अब देखिए, तह तंबू के लिए उपलब्ध हमारा उपलब्ध कैनवास कितना है, तो 5 में से आपने 1 मीटर लेस कर दिया, तो आपका आ गया 550 मीटर². अतः इसलिए तंबू का प्रस्थित क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 550 मीटर². अतः तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी हो गई आपकी, 7 मीटर। ध्यान दीजिए कि तंबू की केवल वक्रपृष्ठ ही होती है, तंबू के फर्श को ढका नहीं जा सकता। अभी तंबू लगा है तो तंबू पर ही कपड़ा जो लगाया जाएगा क्या होगा, इसका वक्रपृष्ठ, क्या होगा इसका वक्रपृष्ठ। तो समझ में आया, ये क्या हो गया, तंबू को ढका जा सकता है, तो आप क्या आ गया यहाँ पर आपका, अतः तंबू का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 550 मीटर². तो क्या देखा आपने कि कैनवास हमारा उपलब्ध था जिसमें से 1 मीटर हमारा नष्ट हो गया होगा, तो इतना हमारा कैनवास बचा, और तंबू का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना है 550, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो हमारा तंबू का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया इतना। अब देखिए नेक्स्ट, अर्थात हम क्या लिखेंगे, पाई आर एल कितना आ गया आपका, 550, तो 22/7 × 7 × L = 550, और L क्या आ गया आपका, 550/22 मीटर, तो क्या आ गया, 25 मीटर। तो L² = R² + H² तो H क्या आ गया आपका, L² - R², तो √25² - 7² मीटर, तो क्या आ गया, 625 - 49 मीटर, 576 मीटर, क्या आ गया, 24 मीटर। अतः तंबू का आयतन कितना आ गया, 1/3 πr²h, तो कितना आ गया, 1/3 × 22/7 × 7 × 7 × 24, तो 7 से 7 गया आपका, तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा, 3 से गया 3 8 24, तो हमने इसको इंटू कर लिया, हमारा क्या आ गया, 22 × 7 × 8, तो हमारा आ गया 1232 मीटर³। ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी, 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन कितना है, 1570 सेंटीमीटर³ है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान आपको दिया गया 3.14। पाई के मान आपके दो होते हैं, या तो 22/7 आएगा, यह आपका 3.14 आता है, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, उसका प्रयोग हमें करना है। अब प्रश्न अनुसार शंकु की ऊंचाई h कितनी दी गई है आपको, हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर, आयतन इसका आयतन वॉयलेंस कितना दिया गया है, वॉल्यूम इसका 1570 सेंटीमीटर³। अब शंकु कौन का आयतन आपको निकालना है, इसकी वॉल्यूम आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1/3 πr²h, और कितना दिया हुआ है आपको, 1570 सेंटीमीटर³। अब r का स्क्वायर लेंगे, तो r² = 1570 × 3 को डिवाइड करेंगे 3.14 × 15
सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो क्या आ गया हमारा 100 मीटर स्क्वायर। तो आर क्या आ गई आपकी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, आर क्या आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। ये आपका समझ में आया, तो आर कितनी आ गई आपके यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 1। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हाइट कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या सेकंड वाले में 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर है। अब नंबर 1 क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या आर कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हाइट कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर है। अब शंकु का आयतन कितना आ गया आपका 1/3 पाई r² h। अब देखिए 1/3 × 22/7 × 6 × 6 × 7, तो क्या आ गया आपका 264 सेंटीमीटर क्यूब है। अब सेकेंडली देखिए, शंकु के आधार की त्रिज्या r क्या आ गई आपकी 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर है। अब शंकु का आयतन आ गया आपका कितना 1/3 पाई r² h। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1/3 × 22/7 × 3.5 × 3.5 × 12, तो कितना आ गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आ गई। अतः लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना आ गया आपका, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब सेकंड देखिए, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी नंबर 1 क्या है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रियक ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो एल कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। नंबर 1 क्या है, बर्तन की त्रिज्या आर कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, त्रियक ऊंचाई एल कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब माना बर्तन की ऊंचाई कितनी आ गई एच सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि L² = r² + h² तो क्या आ गई 25 का स्क्वायर = 7² + h² तो कितनी आ गई 625 = 49 + h² तो क्या आ गई h² = 625 - 49, तो हमारा क्या आ गया 576। तो h क्या आ गई आपकी 576 को अंडर रूट करेंगे तो क्या जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब बर्तन की धारिता आप निकालेंगे तो क्या आ गई 1/3 πr² h, ये आ गई हमारी। तो हमने लिखा 1/3 22/7 7 × 7 × 24, तो क्या आ गया आपका 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, 1232/1000, तो क्या आ गया 1/23 लीटर। अतः शंकु के आकार के बर्तन की धारिता कितनी आ गई 1.32 लीटर। ये आपका क्लियर होता है कि आपकी बर्तन की त्रिज्या दे रखी थी और बर्तन की धारिता आपने निकाली, धारिता का फॉर्मूला आपने लगाया 1/3 πr² h, तो हमारा आ गया बर्तन की धारिता 1.23 लीटर है। देखिए सेकंड, बर्तन की ऊंचाई h कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई l कितनी दी गई है 13 सेंटीमीटर। माना बर्तन की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि L² = h² + r² होता है और 13 का स्क्वायर = 12 का स्क्वायर + r² तो 169 = 144 + r² तो r² = 169 - 144, तो क्या आ गया 25, तो r आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/3 धारिता हमने निकालनी है तो 22/7 × 5 × 5 × 12, तो क्या आ गया 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा ये आ गया और ये आ गया 11/35 लीटर। तो शंकु के आधार की क्या आ गई धारिता 11/35 लीटर है। तो आज हमने क्या सीखा कि हमारा
शंकु का जो आयतन निकलता है किस प्रकार निकलता है, और धारिता, धारिता हमारी क्या हो गई, 1/3 πr² h, ये हमारी शंकु की धारिता आ गई जिसके हम आयतन भी बोल सकते हैं। ये हमने अच्छे से सीखा और हमने किस प्रकार इसको किया, अभ्यास प्रश्नों को भी किया और अच्छे से हमने शंकु के बारे में समझा, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, उसकी धारिता क्या है, उसका आयतन किस प्रकार निकाल सकते हैं, इस कक्षा में अच्छे से हमने किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।